जय श्री सीताराम। 19 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक का ये वक्त या ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में विस्तार से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। और निसंदेह ये साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा, वीकली राशिफल कैसा होगा, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो जो आपको सुनना या समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अंधविश्वास में आप न फंसे या ज्योतिष के प्रति आपका सही नजरिया हो, इसके लिए आपको ये बात जरूर जानना चाहिए कि ये जो राशिफल होते हैं आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। मतलब थोड़ा विस्तार से मैं बताता हूँ। देखिए, आपको यदि अपने बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतर दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र। लेकिन राशिफल जो होते हैं इसमें केवल ग्रहों के गोचरों की गणनाओं का ही अध्ययन होता है। ऐसा नहीं कि मेरे राशिफल देखते हैं तो ही, आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, आप एक बात समझिए कि भाई आपकी पर्सनल कुंडली तो किसी के पास है नहीं। यदि आपके बारे में कोई एग्जैक्ट कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है ना। तो आपकी पर्सनल कुंडली तो किसी के पास है नहीं, आप तो क्या, तो किस प्रकार से एनालिसिस हो सकता है? तो आप ग्रहों के जो गोचर चल रहे हैं, भाई ग्रह जो भ्रमण कर रहे हैं वो पता होता है कि कौन सी राशि में कौन से ग्रह आप भ्रमण कर रहे हैं, तो किसी एस्ट्रोलॉजर को ये पता होता है और आपकी राशि पता होती है। राशि कैसे पता होती है? भाई मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो सारी राशियों के बारे में बता दिया जाता है। तो आपको एक बात ये जाननी है कि ये जो राशिफल होते हैं चूंकि सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं, जी हाँ, सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं, इस वजह से यदि आपको एग्जैक्टली परफेक्टली खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी, मतलब आपको ना अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा, मतलब आपकी जन्म कुंडली का विवेचन आपको करवाना चाहिए। हाँ, और यदि रोजमर्रा के जो रोजमर्रा के बारे में यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो फिर इसके लिए आप राशिफल देख सकते हैं। तो यदि इस बात को मेरी आप ध्यान रखते हैं तो आप गलत नजरिए में नहीं फंसेंगे राशिफल को देखने के, अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे और आपको एक सही सही जानकारी होगी कि आप राशिफल क्यों देख रहे हैं, है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, किसी भी प्रकार का कार्य, कुछ भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये तो कई बार फिर हम कुछ और सोच करके कोई काम कर रहे हैं और काम उसके बाद में हमें पता चलता है अच्छा ऐसा ऐसा है, तो कई बार हमें ये भी फील होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है ना। इस वजह से मैं बताना ज़्यादा पसंद करता हूँ सबसे पहले, और मैं बहुत स्पष्ट बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैं सारी बातें ज़रूर से, हाँ, विनम्रता के साथ, लेकिन सारी बातें ज़रूर रखता हूँ, ठीक है। चलिए, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के बारे में बात करें तो देखें, ये वक्त आपको सफलता तो ज़रूर देगा, आपका कोई एक उद्देश्य होगा, है ना। आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे होंगे, आप विवाह के लिए सोच रहे होंगे, जो भी आपका उद्देश्य एक होगा, उस उद्देश्य में आपको सफलता जरूर से मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। सफलता के योग है निसंदेह, और सफलता का योग है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यदि हम बात करें, भाई आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो निसंदेह आर्थिक दृष्टिकोण से भी सफलता हो, मतलब ये कि इस समय आप जो भी व्यवसाय करें उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिले। आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको
या तो इंक्रीमेंट मिले या मनचाहा प्रोजेक्ट मिल जाए या अच्छा इंसेंटिव मिल जाए या आपकी आपकी वाहवाही हो या आपकी तारीफ हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं भाई, इसी ही तो सफलता कहते हैं। या आप पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छा आपका रिजल्ट आए, हाँ, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्ज़ाम आपकी जाए। तो ये इस प्रकार के योग हैं, सफलताओं के योग हैं, आपके आपको आगे बढ़ाने के योग हैं, प्रतिष्ठा दिलवाने के योग हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत करने के योग हैं। आर्थिक स्थिति में एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी जायदाद में, संपत्ति में भी वृद्धि हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है, तो देखें, हो सकता है भाई आपके पैतृक कोई संपत्ति हो जिसके आप हकदार हों, आप लंबे वक्त से चाह रहे हो या फिर ना भी चाह रहे हो और वो आपको मिले, तो ऐसी भी स्थिति है। और यदि आप आपकी ऑलरेडी संपत्ति है या आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उसमें आपको बढ़त देखने को मिले, इंक्रीमेंट देखने को मिले, हाँ, जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा करके लंबे वक्त से रखा हुआ था तो उस लॉन्ग टर्म में आपने, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि 100 रुपये लगा के रखा था तो आप कह रहे हैं अच्छा 150 रुपये हो गया, अच्छा 200 रुपये हो गया, तो ऐसी स्थिति। या प्लॉट आपने लेकर के लंबे वक्त से रखा था, फ्लैट लेकर के रखा था तो आपको अभी अचानक भाव पता चलेगी अच्छा इतना हो गया। तो जो भी आपने लंबे वक्त से पहले से निवेश करके रखे थे उन निवेशों में आपको यहाँ पर लाभ दिखेगा, या फिर जायदाद आपकी माता पिता के निवेश हो सकते हैं, दादी दादा के निवेश हो सकते हैं जिनमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। अधिकतर ये जमीन के, दादी दादा या माता पिता के निवेश अधिकतर जमीन के होते हैं या दुकानों के होते हैं या रियल एस्टेट के होते हैं। तो उस प्रकार से मैंने कहा कि भाई जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। अच्छा, एक बात का जरूर ध्यान रखना है और वो बात यह है कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो सकता है ना। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर, गायनेकोलॉजिकल इश्यू यदि आप महिला हैं तो, गर्भवती महिला है तो भी प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, या यूरिनरी ट्रैक संबंधी समस्या, लार्ज इंटेस्टाइन संबंधी समस्या, तो ऐसा कुछ हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेष राशि यदि आपकी है तो क्रोध, चिड़, गुस्सा ये भी हो सकता है, हाँ। तो ज़रा अपने क्रोध और चिड़ और गुस्से को कंट्रोल रखने का काम करिए। ये समय मुस्कुराने का समय है। देखिए, क्रोध चीड़ तो हर कोई कर सकता है ना, ईगो में, गुस्से में या घमंड में आना, थोड़ा सा कुछ मिला तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये वक्त आपको ज़रूर से ला सकता है इन चीज़ों में, लेकिन इससे बच कर रहे, ठीक है। चलिए, मेष राशि के बाद अब वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि की बात करें तो देखें, संतान के पक्ष में मुझे कहीं ना कहीं आपकी खुशखबर दिखती है। आप देखें, ऑलरेडी यदि आपकी संतान है, है ना, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम देने जा रही हो, विवाह के लायक हो, वो नौकरी लगना के लायक हो आपकी संतान, तो उनकी तरफ से कोई खुशखबर आपको मिल जाए कि भाई हाँ ऐसा हो गया, या आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो हो सकता है उस विषय में कोई खुशखबर आपको मिल जाए। तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ जो है वो खुशखबर आपके लिए मिलती हुई नज़र आती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, तो पति पत्नी या फिर माता पिता या भाई बहनों में कुछ प्रॉब्लम यदि कहीं चल भी रही थी तो वो खत्म होती हुई यहाँ पर मुझे इन दिनों बनती हुई आपके लिए नज़र आती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो क्या कह सकते हैं, ओवरऑल पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति, प्रेम, लव, कोई प्रॉब्लम हो गई थी या साथ नहीं दे रहा था, तो जुड़ाव के दृष्टिकोण से, मजबूती, रिश्तों की मजबूती के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि धन हानि हो सकती है, पैसा आपका खर्च हो जाए, या तो एक बात, ज़्यादा खर्च हो, फिजूल खर्च हो, है ना, या लॉस हो, जैसे आपने किसी को उधार दे दिया गया, या आपने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया गया, कोई रिस्की निवेश कर दिया, हाँ, जैसे फ्लैट वगैरह, तो ये वक्त निवेश का वक्त नहीं है, या ये वक्त इन्वेस्टमेंट का, या कहीं पैसे लगाने का, या पैसे खर्च करने का वक्त भी नहीं है। देखिए, रोज़मर्रा के खर्चे तो देखो करना पड़ता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कुछ विशेष खर्चा करना है, है ना, आप सोच रहे हैं कि भाई अब जो है मुझे ये AC लेकर के आना है, गाड़ी लेकर के आना है,
ठंड के वक्त भारत में तो चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ आप विशेष तौर पर यदि खर्चा करने का सोच रहे हैं तो ये समय वैसा नहीं है। बारिश कई जगहों पर ढेर बारिश हो रही है, कई जगह भारी बारिश की वजह से ओले पड़ रहे हैं, कई जगह पर ठंड पड़ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मौसम कैसा है। तो थोड़ा निवेश के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, एक बात ये जरूर है कि आपका आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बरकरार रहेगी, या प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि या बढ़त के योग मुझे दिखते हैं। अच्छा, अगली बात ये कि माफ चाहूंगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि कहीं आपको गड़बड़ लग रही थी, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लग रहा था, प्रॉब्लम्स लग रही थी, तो वो मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है, और स्वास्थ्य मुझे आपका बहुत अच्छा और मजबूत बनता हुआ नजर आता है। तो वृषभ राशि के लिए ये समय और मैं तो कहूंगा कि अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात, किसी न किसी तरह से सहयोग आपको मिले, ऐसा हो सकता है ना। हम सभी को सहयोग की जरूरत रोज पड़ती है, बिना सहयोग के हम सभी चले नहीं सकते हैं। हाँ, किसी प्रकार का सहयोग होगा, वो सब्जी वाला सब्जी देने आ रहा है तो आप उसे पैसा दे करके सहयोग कर रहे हैं, और सब्जी दे करके सहयोग कर रहा है। हाँ, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कंसल्टेशन लिया, कंसल्टेशन लिया तो फीस भी दी ना उसकी। हाँ, तो इस प्रकार से सहयोग जो है ये लेना लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये वक्त आपके सहयोग आपको मिलने का वक्त है, और सहयोग की वजह से आप आगे बढ़ें, सहयोग की वजह से आपको चीजें मिलें, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए दिखता है। और मैं समझता हूं कि निसंदेह आप जो हैं वो सहयोग के कारण कुछ नया पा सकते हैं, कुछ नई उपलब्धि पा सकते हैं। हो सकता है वो नौकरी हो सकता है वो स्वास्थ्य का लाभ हो, जैसे भाई कोई डॉक्टर बहुत अच्छा है तो आपको वो दिखाने ले गया साथ में, और स्वास्थ्य का लाभ हो गया, आपके घर परिवार में किसी का कुछ हो गया। पढ़ाने के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, कई नए शहर में आप गए हैं तो वहां पर तो सहयोग आपको मिल सकता है, और खास तौर पर ये सहयोग गवर्नमेंट का हो सकता है, जैसे आपको कोई गवर्नमेंट लोन लेना है ना, आपको बिजनेस शुरू करना है तो उस प्रकार से कोई सहयोग हो सकता है। तो आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, पारिवारिक सहयोग, नैतिक सहयोग, इस प्रकार कोई सहयोग आपको मिल सकता है। ये वक्त बहुत अच्छा है इस विषय में मुझे दिखता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अचानक से लाभ भी आपको मिलेगा। अब ये वक्त ना आपके इन्वेस्टमेंट्स का जरूर है, आप इन्वेस्ट जरूर करिए, जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, या आप हो सकता है कि ना चाहते हुए भी अचानक से लाभ मिल जाए। जैसे कई बार होता ना कि कुछ कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की मदद की और उसने ये सोच करके नहीं की कि मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अचानक से वो वायरल हो गया कि भाई ये इंसान जो है इतना अच्छा है, तो उसे प्रतिष्ठा का लाभ मिल गया। तो धन का लाभ हो सकता है अचानक से, प्रतिष्ठा का लाभ भी अचानक से हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसी कोई बुक हाथ लग गई जो पढ़ के आप बहुत अच्छी तरह से, या कोई ऐसे टीचर हाथ लग गए का मतलब ये कि टीचर मिल गए जो कि आपको आगे बहुत अच्छी राह दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वक्त अचानक से लाभ करवाने वाला मुझे आपके लिए दिखता है, और अचानक से लाभ करवाने वाला ये वक्त है, तो बिल्कुल मौके तो देखना ही देखना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो देखना ही देखना है, कभी आंखें तो बंद करना ही नहीं है, लेकिन आपके जो रूटीन है, जो मेहनत है वो बिल्कुल करते चलिए, और रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। मिथुन राशि के लिए एक बात मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा, ठीक है। मिथुन राशि के बाद अब यदि चर्चा करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं, यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राएं आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ी सुखद होंगी, सुखद या फिर लाभप्रद या फिर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली, प्रतिष्ठा दिलाने वाली होंगी, और मैं तो कहूंगा कि आपको यात्राएं करनी चाहिए और आपको यात्राएं करनी है। यदि आप का उद्देश्य बिजनेस है, बिजनेस के दृष्टिकोण से कहीं बाहर जा रहे हैं, यदि आपका उद्देश्य नौकरी है, नौकरी के दृष्टिकोण से कहीं बाहर जा रहे हैं, यदि आपका उद्देश्य यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण, जैसे मान लीजिए एग्जाम देने का बहुत लंबे वक्त से आप सोच रहे हैं, है ना,
और आप बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे कई सारे लोग मुझे कहते हैं सर आईलेट्स की जो है वो एग्ज़ाम फॉरेन जाने के लिए हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कब दें? ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए, एग्ज़ाम देने का वक्त बहुत अच्छा है आपको जाने के लिए, कहीं बाहर आपको यात्रा करके कहीं दूर जाना है जिससे कुछ चीज़ हासिल हो सकती है, उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। तो हाँ आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन जनरल भी आपके लिए आप यात्राएं कर सकते हैं, और यात्रा के लिए ये वक्त आपको जरूर से लाभ करवाएगा। स्थानांतरण का वक्त भी, कई कई सारे लोग मुझे कॉल करते हैं सर हमें ट्रांसफ़र चाहिए, हमें हमारा ट्रांसफ़र कब तक होगा? ये वक्त है, ट्रांसफ़र का भी वक्त है, ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि इस समय का बिल्कुल भरपूर और मजबूत फ़ायदा उठाइए, और यात्राएं यदि कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आती है, मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आती है। हाँ तो प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि यदि हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। भाई सफल होंगे तभी तो ना प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो आपकी सफलता, आपकी आपकी उपलब्धियाँ, आपके आपके आपकी जो गेनिंग कैपेसिटी है ना, या आपके जो ज्ञान है वो मुझे बढ़ते हुए आपके लिए नजर आते हैं कर्क राशि के लिए। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी जैसे कोई लंबी बड़ी बीमारी चल रही है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, इस प्रकार की कोई बीमारी है, तो इसमें आपको अपना ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन छोटा मोटा कुछ ना कुछ रोग आपको सता सकता है, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा, मान के चले मैं अभी आपको कंसल्टेशन दे रहा हूँ और या मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूँ और मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है या फिर मुझे खांसी हो रही है ना, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो ठीक है मैं कंसल्टेशन दे पा रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी क्वालिटी में तो कमी आएगी ना, तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। तो क्वालिटी में कमी ना आए उसके लिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग हैं, आपके इंक्रीमेंट के योग हैं, आपके आगे बढ़ने के योग हैं, आपकी प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। और निसंदेह यदि पदोन्नति में कह रहा हूं या फिर इंक्रीमेंट मैं कह रहा हूँ, तो इसे इसे नौकरी से जोड़ा जाना चाहिए कि नौकरी के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, और नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। तो अब सारे विषयों में सिंह राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को तो खैर बढ़ा ही देगा, लेकिन एक अच्छी, बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ। पारिवारिक तौर पर कहीं यदि तनाव चल रहा था, पारिवारिक तौर पर वाद विवाद चल रहा था, मतभेद चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, है ना, तो उन्हें भी खत्म करने वाला ये वक्त है। पारिवारिक तौर पर एकता लाने वाला ये वक्त है। कई बार होता है ना मेरे पास स्पेशली कॉल्स आते हैं, सर पति पत्नी वाद विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, संतान के साथ या माता पिता के साथ बहुत दिक्कतें हो रही, भाई बहनों के साथ कोई बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो यदि ऐसी कोई समस्या लंबे वक्त से चल रही थी, आपकी सिंह राशि है, तो वो समस्या मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ और फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, महंगी कोई वस्तु, कोई महंगी वस्तु, कोई महंगी चीज, आप जैसे मोबाइल हो गया है ना, या वाहन भी हो गया, या कैमरा हो गया, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि महंगी हो, और वो आपका इन्वेस्टमेंट यदि है तो निसंदेह है आप करिए, और आने वाले वक्त में वो जिस चीज़ में आप निवेश कर रहे हैं उससे आपको लाभ ही मिलेगा, बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि ये वक्त ना मित्र मिलन का है, या तो दोस्तों से आपको मिलाए, पुराने कोई दोस्त बिछड़ गए थे उनसे मिलाए, या नए दोस्त बनाए, या प्रेम प्रसंग नया बन सकता है, या यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपको विवाह के लिए पार्टनर मिल सकता है, उनसे आपका तय हो सकता है विवाह, है ना? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया आपको मिले, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनर चाह रहे हैं बिजनेस में, तो वो आपको मिल जाए, तो इस प्रकार से कोई ऐसी बॉन्डिंग आपको नहीं मिल जाए जो कि
लॉन्ग लास्टिंग जिसको हम कहते हैं, लंबी चलने वाली जिसे हम कहते हैं, है ना, वैसी हो। तो ये मुझे आपके लिए कन्या राशि के लिए यहाँ पर दिखता है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी सफलता के योग है। आय आर्थिक स्थिति में वृद्धि के योग है, आय में बढ़त के योग है, और यदि आपने कहीं निवेश करके रखा था, आपकी राशि कन्या है और आपने कहीं निवेश करके रखा था, तो उस निवेश में भी आपको अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा इस समय हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं कन्या राशि के लिए। यह भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज जरूर हो सकती है, नर्वसनेस या फिर तनाव, तनाव की स्थिति हो सकती है, नर्वसनेस हो सकता है। तो ठीक है, तनाव नर्वसनेस तो आजकल हर किसी को होता है, लेकिन इसे बचने का बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, या फिर हमारे ग्रंथ होते हैं श्रीमद् भगवद गीता, यदि आप रोजाना पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं और फिर ऑब्वियसली उसे मानते हैं, समझते हैं, तो मैं ये वादा कर सकता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन तो आने वाला नहीं है, तनाव भी यदि छू भी गया तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान रहेगा, आपके पास सही बात रहेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में विश्वास करना सारे तनाव से और एंजाइटी डिप्रेशन से तो फिर बहुत ही दूर कर देता है। ठीक है, तो इस बात के प्रति ध्यान रखिए कि तनाव या चिंता की स्थिति जो है वो डेवलप हो सकती है। चलिए, कन्या राशि की बात थी, अब कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं और ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, या ये यात्राएं आपको कुछ ना कुछ तो दिलवाने वाली होंगी। मतलब देखें, हो सकता है आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का लाभ आपको मिल जाए इन यात्राओं की वजह से, आप अकेले कहीं जा रहे हैं शांति पाने तो आपको मानसिक सेहत का लाभ मिल जाए, आप परिवार के साथ घूमने फिरने एंजॉय करने जा रहे हैं तो गेट टुगेदर पारिवारिक जुड़ाव का लाभ मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लाभ आपको मिले, ऐसा मुझे तुला राशि के लिए ये समय बनता हुआ नजर आता है। एक और बात अच्छी बात दिखती है, अब वो अच्छी बात है या टेंशन की बात है, तनाव की बात है, ये आप समझिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ने वाली सप्ताह से, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी, इसको आप किस वे में ले सकते हैं, तो आप हो सकता है विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो जाए, चाहे आप पत्नी हो चाहे पति हो, जिम्मेदारी तो बढ़ने वाली है ना, नया परिवार आपके साथ जुड़ रहा है, कोई एक तो अपनी जिंदगी ही जोड़ रहा है आपके साथ और फिर नया परिवार पूरा का पूरा ही जुड़ रहा है, प्लस आपको आपको प्रमोशन मिला तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आप बिजनेस करते हैं और आप बिजनेस में नया ब्रांच ओपन करना चाहते हैं तो निसंदेह फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, नए आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, कुछ भी ऐसा जो आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाए या जिम्मेदारी को ज़्यादा कर दे और मेंटल लोड दे दे, मेंटल प्रेशर दे दे, मेंटल तनाव दे दे, ऐसा मुझे आपके साथ दिखता है। तो ज़रा तुला राशि के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी ज़्यादा होना मैं तो इसे बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी ज़्यादा होना आपको आपके ओहदे को बढ़ा देता है, इस जिम्मेदारी ज़्यादा से आपको लाभ भी मिलेगा, भाई प्रतिष्ठा का लाभ तो मिलेगा ही ना, कम से कम धन का लाभ भी मिल सकता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी मुझे आपके लिए तुला राशि के लिए लाभ बनता हुआ नजर आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें और वो बात है स्वास्थ्य का घाटा, मतलब जब हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है ना तो हम फिर टेंशन में आते हैं, फिर तनाव में आते हैं और फिर उसके बाद स्वास्थ्य की हानि होती है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में या तकलीफ में या परेशानी में आ सकता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर दें यदि आपकी राशि तुला है तो। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं योग है, रिस्क निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं योग हैं, तो मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए तो निसंदेह ये समय ये वक्त निवेश के लिए अच्छा होगा, मैं आपको निवेश के लिए बिल्कुल प्रेरित करना चाहूँगा, मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप निवेश करिए। देखिए, निवेश हम सभी को
करना ही पड़ता है, बिना निवेश किए तो जिंदगी चल ही नहीं सकती, इन्वेस्टमेंट करना बहुत कंपलसरी है हम सभी के लिए। लेकिन एक पहली बात, एक वक्त होता है भाई, राकेश झुंझुनवाला, हालांकि वो जा चुके हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि मुझे भी कभी ना कभी घाटा हुआ है, हमेशा ही लाभ तो नहीं हुआ। तो एक वक्त होता है ना कि जब, ऐसा कौन सा वक्त है जब आपको लाभ होगा, मुनाफा होगा? तो ये वक्त वृश्चिक राशि के लिए वक्त है निवेश करने का, ये वक्त है लाभ लेने का। तो बिल्कुल आप लाभ लीजिए इस समय, और खासतौर पर धन का, या फिर जमीन का, या फिर रियल एस्टेट का, जिससे आपकी संपत्ति बढ़ सकती है उसका। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है, शारीरिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान दीजिए, और खासतौर पर तब जब आपको लंबी कोई बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, गर्भवती, प्रेग्नेंसी आपको है, तो ऐसा यदि कुछ है तब तो जरूर से आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य संबंधी। अच्छा, पारिवारिक तौर पर वृश्चिक राशि को यहाँ पर साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थिति और ज्यादा मजबूत आपको यहाँ पर लगेगी, और पारिवारिक प्रेम और सौहार्द और ज्यादा बढ़ा हुआ आपको लगेगा। वृश्चिक राशि के बाद अब चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए कहूंगा कि धन, स्पेशली ना ये वक्त धनु राशि के लिए, धन, धनु राशि के लिए धन को बढ़ाने के लिए आया हुआ है। सच में मैं आपसे कहूं धनु राशि के लिए, तो मैंने जो एनालिसिस किया और जो चीज पाई उसमें धन 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 ज्यादा दिखा, तो धन के लिए कहने के लिए मेरे पास ज्यादा है आपके लिए। तो धन का लाभ आपको यहां पर हो सकता है। आप लंबे वक्त से जैसे जायदाद के इच्छुक हैं, अपनी पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। लंबे वक्त से कोई निवेश करके रखा था, उसमें आप मुनाफा चाहते हैं, है ना, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। आपने खुद निवेश किया है या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं अभी, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। या बिजनेस में नया रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर लाभ मिल सकता है, बिजनेस अच्छा चल सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। तो ये समय धन के दृष्टिकोण से धनु राशि के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखता है। और नया कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी लगना चाहते हैं, तो वो लग सकते हैं, या बिजनेस नया शुरू भी कर सकते हैं आप, तो वो भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं आपके लिए, खासतौर पर धनु राशि के लिए, कि ये समय सारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, और खास तौर पर लेकिन धन के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है। पारिवारिक स्थिति भी ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी, मतलब जैसे चल रही है वैसे चलेगी। आर्थिक, माफी चाहूंगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्थितियाँ ठीक रहेंगी, सामान्य रहेंगी, लेकिन धन के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छी रहेगी। तो यदि आपको कोई लक्ष्य धन को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, आय, इनकम, पैसे को लेकर के, तो बिल्कुल आपको चाहिए कि आप मेहनत करिए, आप अपने लक्ष्य को देखिए और आगे बढ़िए और सफल होइए। ठीक है, चलिए, धनु राशि की बात थी। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि जैसे मैंने धनु राशि के लिए कहा था ना कि धनु राशि के लिए धन का ये वक्त है, मकर राशि के लिए परिवार का ये वक्त है। पारिवारिक तौर पर ये समय आपको आपको और ज्यादा सौहार्द, और ज्यादा प्रेम, और ज्यादा करीबी, और ज्यादा अपनत्व, और ज्यादा जुड़ाव महसूस करवाएगा। यदि लंबे वक्त से कोई आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, कुछ परेशानियां चल रही थी, तो वह खत्म होगी या कम होगी, या नया परिवार, नए रिश्तेदारी बने या बढ़े। अब नई रिश्तेदारी कैसे बनती है, तो आप विवाह के इच्छुक हैं, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो वो विवाह, उनका विवाह तय हो जाए, तो ऐसा हो सकता है मकर राशि के लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से नए नए दोस्त आपके बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, है ना, रिश्ता तय हो सकता है, ये तो मैंने बता ही दिया। तो रिश्तों के, पारिवारिक दृष्टिकोण से, दोस्ती के दृष्टिकोण से, पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से, चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप हो, उसके दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है, फिजूल खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, सेहत के दृष्टिकोण से भी समय मकर राशि के लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, चलिए, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव आपको होगा, फिजूल की फिजूल
का तनाव, फिजूल का टेंशन, फिजूल की बातें सोचें, व्यर्थ बाकी बातें सोचकर आप जो हैं वो परेशान हों और फिर उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में हानि हो या स्वास्थ्य में घाटा हो, ऐसा हो सकता है। तो अपने आपको अपने अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले ही अभी कह रहा था कि मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाता है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे पहली बात तो मेडिटेशन, ध्यान, जो हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जो दिया है ध्यान, योग, और इससे भी ऊपर श्रीमद् भगवद गीता, है ना। मतलब इनका यदि आप पाठ करते हैं तो मेंटली आप बिल्कुल फिट रहते हैं। तो ज़रा फिजूल के तनाव से बचने का प्रयास करिएगा। नए दोस्त बने ऐसे योग हैं यहाँ पर, नए रिश्तेदार बने ऐसे योग हैं। नए रिश्तेदार बने मतलब आपका विवाह तय हो, है ना, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो उनका विवाह तय हो, ऐसे योग हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, परिवार का साथ दिलवाने वाला है। थोड़ा बिजनेस को, नौकरी को, व्यवसाय को, या कामकाज को, या पढ़ाई लिखाई को लेकर के तनाव हो सकता है, उससे बचकर, उससे थोड़ा सा बचना है, ठीक है। चलिए कुंभ राशि के बाद मीन राशि की आप फाइनली बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार मिलेगा, शुभ समाचार। शुभ समाचार क्या हो सकता है? नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग जाएगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, वो हो सकता है। विवाह के इच्छुक हैं, वो हो सकता है। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक करना चाह रहे हैं, अच्छी रिपोर्ट चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। तो कुछ ना कुछ, जिस भी शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, या जिस शुभ समाचार के आप लायक हैं या इच्छुक हैं, या जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं लंबे वक्त से, वो शुभ समाचार आपको मिले। इच्छा पूर्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी। वही वाली बात है कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके आप लायक हैं, वो आपकी इच्छा में आपको पूर्ति मिल जाए, आपका वो काम बन जाए, वो उस मनोकामना में पूरी हो जाए, पूर्ति मिल जाए, तो बिल्कुल वो भी आपको मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी, सुखद होंगी। आपको आपको ये यात्राएं कुछ ना कुछ दिलवाने वाली होंगी। तो यात्राओं के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ दिलवाने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, खासतौर पर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। वैसे मैंने कही दिया था शुभ समाचार में, लेकिन फिर दोहरा देता हूँ कि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो मीन राशि के लिए खासतौर पर संतान के पक्ष में मुझे खास ये वक्त अच्छा दिखता है। ऑलरेडी संतान यदि आपकी है और वो नौकरी लगना चाहती है, संतान के पक्ष में, संतान पढ़ाई लिखाई कर रही है आपकी, तो उसके पक्ष में कुछ ना कुछ आपको सुनने को, अच्छा सुनने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा, आपने जाना कि ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, ये कैसा जाएगा आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल। मैं हमेशा विस्तार से जो आपको समझाता हूँ, ये बहुत गहन विश्लेषण के बाद आपको समझाता हूँ, है ना। तो एक दो दिन का मेरा विश्लेषण होता है, फिर मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करके या कमेंट करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ और एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।